निजी अस्पतालों के दलालों को जेल भेजने की तैयारी। जिला अस्पताल प्रशासन आया कड़े एक्शन में, दलाल किए चिन्हित। इंसान के जीवन से खिलवाड़ करने के दलाली के काले खेल में महिलाएं भी शामिल। फर्स्ट ट्रैक की खबर के बाद अस्पताल माफियाओं में मचा हड़कंप। जिला अस्पताल धौलपुर परिसर में तैनात रहने वाले निजी अस्पतालों के दलालों को आने वाले समय में जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसे लेकर जिला अस्पताल प्रशासन ने अपना पूरा खाका तैयार कर लिया है, जो अब जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन के साथ मिलकर इस मामले पर कड़ा एक्शन लेगा और दलालों को जेल भिजवाया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार शाम के न्यूज बुलेटिन में धौलपुर जिले के सबसे ज्यादा लोकप्रिय और नंबर वन चैनल फर्स्ट ट्रैक ने जिला अस्पताल में तैनात रहते हैं निजी अस्पतालों के दलाल, मरीजों को बरगला कर ले जाते हैं निजी अस्पताल शीर्षक से प्रमुखता से मुद्दा उठाया था, जिसमें ये बताया था कि ग्रामीण इलाकों से जिला अस्पताल में आने वाले भोले भाले मरीज और प्रसूताओं को जिला अस्पताल धौलपुर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान परिसर में तैनात रहने वाले निजी अस्पतालों के दलाल किस तरह बरगला कर और झूठ बोलकर उन्हें निजी अस्पतालों में ले जाते हैं, जहां इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। इससे भी बड़ी बात ये है कि निजी अस्पताल मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि ना तो इनके पास योग्य डॉक्टर हैं और ना ही योग्य नर्सिंग स्टाफ। इसके अलावा ये भी पता नहीं कि आखिर इन अस्पतालों को चला कौन रहा है, और जो चला रहे हैं उनके पास डिग्रियां भी हैं या नहीं, इनके पास चिकित्सा क्षेत्र का अनुभव भी है या नहीं। इसके अलावा ये अस्पताल गली कुचारों में या तल घरों में या एक दो कमरों में चल रहे हैं, यानी इन अस्पतालों की इमारत भी सरकार की गाइडलाइन और मानव जीवन को सुरक्षित बचाने के मानकों के अनुसार नहीं है। इनका ऑपरेशन थिएटर भी सरकार के नियम और आम आदमी के जीवन की सुरक्षा के मानकों के अनुरूप नहीं है, जिस कारण प्रसूता और मरीजों के जीवन से खिलवाड़ किया जाता है। इस मुद्दे को फर्स्ट टेक द्वारा प्रमुखता से उठाने के बाद जिला अस्पताल प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है। खुद जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और दलालों को अब जेल की हवा खिलाने का पूरा मानस बना लिया है। पूरे ऑपरेशन की कमान खुद PMO सिंह ने संभाल रखी है। इसे लेकर उन्होंने धौलपुर SP मनोज कुमार, CMHO जयंतीलाल मीणा और जिला कलेक्टर को पत्र भी लिख दिया है। इसके अलावा जिला अस्पताल परिसर में CCTV कैमरे लगवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि दलालों को चिन्हित किया जा सके और उसके बाद इन दलालों को पुलिस से गिरफ्तार करवाकर उन्हें जेल भिजवाया जा सके, ताकि ये दलाल अनमोल मानव जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सके। दलाली के काले खेल के सबूत जुटाने जल्द ही लगाए जाएंगे CCTV कैमरे। जिला अस्पताल धौलपुर प्रशासन ने अस्पताल परिसर में दलाली का काला कारनामा करने वाले इन दलालों को जेल की हवा खिलाने का पूरा मानस बना लिया है, जिसे लेकर जिला अस्पताल से बरगला कर निजी अस्पतालों में मरीजों को ले जाने वाले दलालों को भी चिन्हित कर लिया गया है। इनमें महिला दलाल भी शामिल हैं, लेकिन इनके द्वारा दलाली करने के ठोस सबूत अभी जिला अस्पताल प्रशासन के पास नहीं है। इसे लेकर अस्पताल परिसर में CCTV कैमरे लगवाए जा रहे हैं, जो कुछ ही दिन में लग जाएंगे, जिसके बाद ये दलाल अगर किसी मरीज को बरगलाते हैं और उसे जिला अस्पताल से निजी अस्पताल में ले जाते हैं, तो इनकी ये काली करतूत CCTV कैमरे में कैद हो जाएगी, जो इन्हें जेल पहुंचाने और सजा दिलवाने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत होगा। दलाली के CCTV फुटेज पुलिस को सौंप दिए जाएंगे और पुलिस इन्हें कोर्ट के समक्ष पेश करेगी, ताकि इन दलालों को जेल में भिजवाया जा सके और लोगों के मानव जीवन को बचाया जा सके। खबर के बाद निजी अस्पताल माफियाओं में मचा हड़कंप, अस्पताल प्रशासन आया कड़े एक्शन में। जिला अस्पताल परिसर में चलने वाली दलाली के इस काले खेल को फर्स्ट ट्रैक द्वारा उजागर करने के बाद निजी अस्पताल माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं जिला अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए शीघ्र एक्शन लिया है। खबर के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल परिसर में CCTV कैमरे लगवाने का फैसला प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग से दलालों को कोर्ट से सजा दिलवाई जा सकती है। वहीं खबर के बाद निजी अस्पताल माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के लोगों में चर्चा का विषय बनी खबर। जिन अस्पतालों को लोग मंदिर और डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, उस क्षेत्र में दलाली का ऐसा कारनामा उजागर होने के बाद लोगों में फर्स्ट ट्रैक की खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। शहर, बाजार और गांव में इस खबर को लेकर लोग आम चर्चा करते देखे गए। कई बुद्धिजीवियों ने इस दलाली के काले खेल को शर्मनाक बताया। वहीं इस काले कारनामे का खुलासा करने पर लोगों ने
फर्स्ट ट्रैक चैनल की तारीफ की। लोगों का मानना है कि धरती के भगवान चिकित्सकों के बीच में घुसे कुछ निजी अस्पतालों के इन दलाल भेड़ियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों का जीवन बच सके और इस दुनिया में आने से पहले ही लापरवाही के कारण मौत के मुंह में जाने वाले नवजातों को जीवन मिल सके। कल फर्स्ट ट्रैक में जो खबर चलाई गई थी उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने माननीय SP महोदय को एक पत्र लिखा है, जिसमें जिला चिकित्सालय के समक्ष जितनी भी एम्बुलेंसेस हैं, जितने भी प्राइवेट दलाल घूम रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने माननीय CMHO साहब को निवेदन किया है कि जो भी प्राइवेट अस्पताल अवैध रूप से संचालित हैं उनके यहाँ छापे लगाए जाएँ और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने अपने लेवल पर जिला चिकित्सालय के आसपास CCTV कैमरे लगाने का ऑर्डर कर दिया है। शीघ्र ही जिला चिकित्सालय में CCTV कैमरे लग जाएंगे, जिससे कि उन लोगों को चिन्हित किया जा सके जो गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, कुत्सित करते हैं यहाँ पर।